सदन की समझदारी के लिए भी एक बात मैं कहूंगा कि कंपटीशन आया है, प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, लेकिन फिर भी बीएसएनएल का मार्केट शेयर जो 31 मार्च 17 को 9.63 था, अब बढ़कर 31 दिन 2019 को 10.72 हुआ है। एमटीएनएल में थोड़ी सी कमजोरी आई है। और एक बात माननीय अध्यक्ष जी इस सदन को बताना बहुत जरूरी है कि बीएसएनएल के पास 1,65,169 कर्मचारी हैं अधिकारियों के साथ, और एमटीएनएल में 21,679 कर्मचारी हैं। इंप्लॉय कॉस्ट जो बीएसएनएल का है वो 75.06% है ऑफ द इनकम, और एमटीएनएल का 87.15 है। बाकी कंपनियों का किसी का 2.945% है, किसी का 5.59% है। तो हमारे पास कर्मचारी हैं, ज्यादा है, लेकिन हमारा काम है उनकी चिंता करना, क्योंकि बीएसएनएल जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो कश्मीर का बाढ़ हो, नेपाल का भूकंप हो, अभी उड़ीसा में जो समस्या आई, तमिलनाडु की बाढ़ हो, तो बीएसएनएल ही आगे बढ़ करके फ्री सेवा देता है ताकि लोगों को अवसर मिलना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद मैंने स्वयं 6-7 मीटिंग ली है। मैं इनको और प्रोफेशनल करने के लिए, कॉम्पिटिटिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसके बारे में सारी संभावनाओं की तलाश कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि बीएसएनएल ने अपने समय में कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, और भी करने के लिए आवश्यकता है, जिसमें लगा हुआ हूं। सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से, वर्तमान समय में एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की जो दयनीय हालत हो गई है, जो मंत्री जी बहुत पूरा आप जवाब दिए हैं, और उस जवाब से हम यही देखना चाहते हैं कि जो परिस्थिति उसको बात करने का है या देखने का है, उसका मूल कारणों का पता लगाने का है, वो लग नहीं पा रहा है। अगर मीटिंग हम बुलाते हैं या आप बुलाते हैं तो उन चीज़ों पर अगर ध्यान देता, जैसे कमेटी बनाई जाती थी और कमेटी में निर्देश दिया जाता था कि ये दिक्कतें ये आ रही है, उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मीटिंग भी वो एक साल में कभी 6 महीना में बुलाता है और कोई उसका प्रतिफल नहीं निकलता कि जो आदमी क्वेश्चन उठाता है या जहां भी उसको खबरें देता है उस पर वो ध्यान नहीं देता है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह की कमेटियों को टाइट करके बनाने का काम करें, जिससे हमारा आपका नाम हो। और आपने बहुत मेहनत करने वाले मंत्री हैं, बहुत अच्छे से लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी दिख रहा है कि लोग प्राइवेट वाला लेकर काम करता है, इस पे नहीं मिलता है टावर, तो दिक्कतें होती है। माननीय अध्यक्ष जी, सद्भावना रमा देवी का सुझाव एक एक्शन के लिए है, मैं इसका कोशिश करूंगा कि और इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि उनके सुझाव को और प्रभावी रूप से विकास के लिए हम कर सकें। श्री मनोज कोटक। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एमटीएनएल और बीएसएनएल ये दोनों ने अपने इक्विटी के एवज में 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन करे, ऐसी कोई गुजारिश सरकार से की है क्या, ताकि आने वाले दिनों में जब 5G और 6G का पूरे विश्व में जाल फैल रहा है, तब एमटीएनएल और बीएसएनएल इसके साथ में कम्पीट कर सके या अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सके, जिसके कारण ये सरकार की दोनों कंपनियां अच्छे मुनाफे तक जाए। मंत्री जी ने मार्केट शेयर बड़ा है ये तो बताया, लेकिन टोटल मार्केट शेयर कितना बड़ा है, जिसमें इनका क्या प्रतिशत है वो बताए। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हमें समझना चाहिए, इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां बहुत आई हैं, उससे कंपटीशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ डिस्ट्रप्शन भी होता है, लेकिन इसका जनता को फायदा भी मिलता है कि आज भारत में मोबाइल रेट और डेटा रेट दुनिया में लोएस्ट है, ये हमें समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। अब जो मानी सदस्य ने 4G की बात कही है, पूर्व में एक विचार हुआ था कि चूंकि बीएसएनएल एमटीएनएल सरकारी पीएसयूज हैं, अगर इनको हम भागने देंगे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में तो संभवतः लगेगा कि सरकार इनके पीछे खड़ी है। लेकिन हाँ, मानी सदस्य का एक विचार बहुत ही उचित विचार है कि 4G की उपलब्धता इन दोनों को हो, इसके बारे में मैं पूरी संभावना तलाशूंगा। श्री कल्याण बनर्जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई गिव माई एक्सप्रेस माई थैंक्स फॉर गिविंग मी दी चांस टू स्पीक ऑन दिस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देर आर डाटाज आर देयर, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग अबाउट डाटाज,
I am not disturbed at all. The point remains somewhere else. The point is, if the central government's intention is this today, even up to the rural area, there would be net banking, there would be a net system, mass access to the net. Today in the rural areas, unless you bring 4G anywhere, forget about rural area, even in the city, 3G is not sufficient for even any net banking, anything, any net system, any information. You have, whether you will wait for when the things will come and you will spend the time for that or not. Now my very specific question. Intention of the government is to make digital India. It's very good, appreciated. But for making effective digital India, there it needs improvement of towers. Improvement of tower number one, and number two, enhancement up to 4G. Whether through you, the Honourable Speaker, I have a very specific question to the Honourable Minister. Are you in a position to make it, to enhance it up to 4G? Are you in a position to improve the mobile tower? Because everybody has experience. I think all MPs will also speak. I also in the House Committee, 16 Lok Sabha. We don't get. In the MTNL telephone which has been given, we don't get anything from there. Mananiya Mantri Ji. Honorable Speaker, sir, the question which Honorable Kalyan Babu has asked has two components. The first component is, are you improving towers, network system? The answer is yes. 50,000 towers have been installed. And if I can give you very specific numbers, in the last 5 years itself, BTS installed by BSNL number 25,200. Total BTS working in the country, including BSNL MTNs, are 20 lakhs. Therefore, this has been done, and I can give you further details what other steps have been taken. Regarding the availability of 4G, I would like to very humbly clarify to you. 4G gives good digital connect. The point is well taken. But as far as the banking system of India is concerned, you may recall, whether it is 2G or 3G, the banks have been operating on that. Therefore, to say in the absence of 4G, banking system has completely got derailed is a little tall claim. But I do take your point that these public sector bodies need to be supplemented with 4G. And as I said even the first day I took over, that I will explore all the options to make them viable, to make them competitive. And I've also conveyed them, and I've conveyed today to the employees of MTNL and BSNL, that they also need to work together in a more professional capacity. Because I always feel very strongly, Honorable Speaker, sir, to ensure a fair competition, we need to have a public sector undertaking also to ensure equilibrium in this sector. When it comes to tsunami, it comes to earthquake, it comes to recent cyclone in Odisha, it is only BSNL, or in Tamil Nadu floods, it is only entities like BSNL which give free service and bring succor. This is how we have to work. See, Rajiv Pratap Rudi. ये बिल्कुल सही है कि BSNL जैसी कंपनियां जब भारत में होती हैं तो प्रतिस्पर्धा देती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से ये कहना उचित होगा कि जब आपदा आता है तो सिर्फ यही BSNL लगती है और बाकी कंपनियां ध्यान नहीं देती है, उचित नहीं होगा, क्योंकि 1000 मिलियन जब सब्सक्राइबर्स है तो सबके टावर्स होते हैं, सब चलते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा और एक रिपोर्ट आया है कोटैक इक्विटीज का, जिसमें BSNL का जो घाटा है लगभग 90,000 करोड़ है, उसी प्रकार से है जो एयर इंडिया का है। ये हमारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, हमारा दायित्व बनता है इनके कर्मचारियों को बचाना और इसको प्रॉफिट में लाना। महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, और इनके ही BSNL का बैलेंस शीट है, इन्होंने कहा कि प्रतिशत बढ़ा है कंज्यूमर्स का, इन्होंने कहा कि 9% से वो 10% हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2017 में इनका आय था, जो रेवेन्यू था, वो 3,153,000 करोड़ था, और जब इनका 1% बढ़ गया है तो इनका 2018 में 31 मार्च तक आय जो है वो 1 लाख करोड़ कम हो गया, 2,507,000 करोड़। अब इस प्रकार के आंकड़े अगर पब्लिक डोमेन में हो और हम फिर भी उसके बाद ये कहते रहे, और देखिए
महोदय आज भी हम लोग मोबाइल फोन जो यूज करते हैं वो बीएसएनएल का करते हैं, पार्लियामेंट में सभी सदस्य, और हमारा कमिटमेंट है जब कोई टेलीफोन नहीं था तो बड़े बड़े सेट इसी पार्लियामेंट में 1996 में हम लोग को दिए गए थे, बीएसएनएल का था, आज भी हम लोग लॉयल हैं। लेकिन हमारे लिए कठिनाई है कि जब हम फोन करते हैं और फोन कटता है तो उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, और जब उधर से और बिलिंग होता रहता है तो देश में एक सरकार के लिए बड़े चिंता का विषय है। हर आदमी जिसके पास बीएसएनएल है वो सरकार पर उंगली उठाता है जब उस फोन को उपयोग करता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। महोदय ये विषय बहुत बड़ा है, जिस प्रकार से एयर इंडिया का सर्कल पूरे भारतवर्ष में हम अपना पैसा सरकार का खजाना लगा के चला रहे हैं, उसी प्रकार से बीएसएनएल को भी सरकार का खजाना लगा के चला रहे हैं, और ये कब तक चलता रहेगा माननीय मंत्री जी, इसकी दूरगामी रास्ता क्या होगा उसके बारे में अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो उचित हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आरंभ में ही कहा कि इस विभाग के एक महीना पूर्व मंत्री बनने के साथ ही मैंने कहा था कि इसको और तेज गति हो, इस कंपनी का स्वास्थ्य बढ़े, इसके लिए मैं सारी संभावनाओं की तलाश करूंगा और तलाश हो रही है। आपने जो एक बात कही उनके बैलेंस शीट की, उसको मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा और उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। श्री फारूक अब्दुल्ला जी, एक बात चूंकि मैंने पूछा तो मैंने कहा कि बीएसएनएल वगैरह जो देते हैं, तो माननीय रूढ़ी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विभाग को मैंने पहले भी देखा था, कई बार प्राइवेट कंपनियां दो दिन के लिए फ्री करती हैं नेचुरल कैलामिटी में, और बीएसएनएल एमटीएनएल जब तक कैलामिटी नहीं खत्म होती है तब तक फ्री करती है, इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था। इसलिए ये देश हित में है कि ये कंपनियां स्वस्थ हो। श्री फारूक अब्दुल्ला जी, स्पीकर साहब शुक्रिया जो आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल मंत्री जी से है कि हमारे बॉर्डर इलाकों में आपकी सुविधा जो है वो बहुत कमज़ोर है, और हमारे लोग और जो वहाँ फौजी हैं वो घर से बात नहीं कर सकते, मशीनें पड़ी हुई हैं श्रीनगर के आपके केंद्र में, मगर उनको लिफ्ट करने के लिए उन्हें बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए जो एयरफोर्स से चाहिए। अगर वो इनको सुविधा मिल जाएगी तो ये मशीनें जो हैं वहाँ तक पहुँचा सकेंगे, और हमारे बॉर्डर इलाकों में आपके जो बीएसएनएल की सुविधा है वो ठीक हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, शुक्रिया। ये जो श्रीनगर की आपने स्पेसिफिक समस्या बताई है इसको मैं स्वयं देखूंगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर हैं वो अपने परिवार से बात कर सकें, इसके लिए बीएसएनएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूंगा कि और इसको मजबूत किया जाए, लेकिन श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूंगा। श्रीमती संगीता यादव जी, श्रीमती संगीता आजाद, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस 17वीं लोकसभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे क्षेत्र की लालगंज की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ पर भेजा है। माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बीएसएनएल की कुल कितनी लाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलब्ध हैं? यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में बीएसएनएल को अपना वजूद कायम रखने के लिए कौन कौन से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी कृपा करके ये बताने का प्रयत्न करें कि किन किन कारणों के चलते बीएसएनएल की सेवाएं शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं, कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का मकसद तो नहीं है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने आजमगढ़ जिले के बारे में एक संख्या जानने की कही है, वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आजमगढ़ में कितने टावर्स हैं, कितने मोबाइल हैं, उसका डिटेल्स लेकर मैं आपको जरूर भेज दूंगा। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया बाकी गुणवत्ता की कमी के, उसका मैंने विस्तार से उत्तर अवश्य दिया है। लेकिन फ्री रोमिंग हम लोगों ने सुविधा की है, जो केबल कनेक्टिविटी कॉपर का है उसको फाइबर से कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात है, उसमें आज 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो गई है, ये सारा काम सफलता से बीएसएनएल ने किया है। जो हमारे नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम जो पूरे सेना के लिए हम काम कर रहे हैं वो काम बीएसएनएल कर रही है। जो नक्सलाइट इलाके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, पूर्व में गृह मंत्री थे, उनके उस समय के विभाग से कोऑर्डिनेशन करके जितने
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं उसमें लगभग 3000 टावर लगा के यही बीएसएनएल ने काम किया है। तो ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो।